जबरदस्त समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त। ओम प्रकाश राजभर का गढ़ कहीं नहीं है जी, गढ़ समाजवादी पार्टी के साथ थे तब तक था जी, गए खत्म। माहौल एक तरफा है, जो जात के नाम पर लोगों को ठगा करते थे उन्हीं की बिरादरी के लोग उनको जवाब दे रहे हैं। साइकिल का लहर चल रही है इस समय। नमस्ते, मैं अभिषेक और इस समय हूँ घोसी उपचुनाव में, और घोसी उपचुनाव में जो चेहरे कभी दिल्ली और लखनऊ में दिखते थे अब गांव में आ गए हैं, और अभी राजभर बस्ती में जो रामगोपाल यादव पहुँचे हैं, अब देखेंगे तो यहां पर रामगोपाल यादव राजभरों से मिल रहे हैं। राजभर बस्ती में जो चेहरे लखनऊ दिल्ली में होते थे, उपचुनाव में गली गली घूम रहे हैं, गाँव गाँव खेत खेत, क्या चुनाव हो या उपचुनाव जी, सब लोग जाते हो, जाना चाहिए, जनता का यही तो मौका होता है नेताओं के से बात करने जी। क्या लग रहा है घोसी उपचुनाव में आप लोग गांव गांव जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? जबरदस्त समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त। आए हैं आप लोग राजभर बस्ती में, राजभर और विशेष करके घोसी में, ये माना जाता है कि ओम प्रकाश राजभर का गढ़ है। ओम प्रकाश राजभर का गढ़ कहीं नहीं है जी, गढ़ समाजवादी पार्टी के साथ थे तब तक था जी, गए खत्म। आपके ऊपर लगातार निशाना साध रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, सन्निपात की स्थिति में पहुंच गए। सन्निपात जानते हो, सन्निपात में जब आदमी पहुंच जाता है तो पता ही नहीं वो क्या कह रहा है, हाथ पैर पटकता है, किसी को गाली देता है, किसी को पहचान नहीं पाता है, कब वो कल अपने लड़के के लिए कहने लगे, कब स्थिति बहुत भ्रष्टाचारी आपको बता दिए वो भ्रष्टाचारी। अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, चुनाव हो जाने तो मैं बताऊंगा। अभी आप राजभरों से मिले, राजभर लोग क्या बोल रहे हैं? राजभर देखने ही नहीं, पूछो इनसे आप तो, आप तो यहाँ राजभर के बीच में, राजभर सब समाजवादी समर्थन। ये राम गोपाल यादव हैं, और राम गोपाल यादव घोसी उपचुनाव में गांव में पहुंचे हैं और गांव के लोगों से मिले। आप लोग राजभर बस्तियों में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? आपको दिख रहा है ना माहौल, माहौल एक तरफा है, जो जात के नाम पर लोगों को ठगा करते थे उन्हीं की बिरादरी के लोग उनको जवाब दे रहे हैं। बारी भगाओ यहाँ का सुधाकर को, यहाँ अपना घर का स्थान यहाँ पर हम लोग जमाएंगे। किस जाति के आप हैं? हम राजभर जाति के हैं। ओम प्रकाश आपके जाति के हैं? ओम प्रकाश हमारे जाति के हैं, तो हम लोग मलेशिया में फंसे थे, उनके पास मैंने फोन किया था, कोई सुनवाई नहीं हुए, उस समय बीजेपी में वो मंत्री थे। मैं फोन किया था, माननीय राजू राय जी ने हम लोग को सारे बच्चों को वहाँ से मलेशिया से बुलवाए। तो क्या लग रहा है कि लहर कमल की चल रही है साइकिल की? साइकिल का लहर चल रही है इस समय।